पहले मेरे सास सरपंच, फिर मेरे पति। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी गांव के लिए कुछ करूं। लोगों को बहुत समझाना पड़ा कि टॉयलेट बना लो। उन्होंने कहा कि टॉयलेट के लिए क्यों पैसा वेस्ट किया जाए। फिर मैंने समझाया कि आप घनी बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता के ऊपर रैली भी निकलवाई कि गांव में जब जाके लोगों ने अपने घर में टॉयलेट बनवाया। पहले गांव में लोग सड़क पे भैंस बांधते थे, फिर हमने उनको मना किया। अब गांव साफ रहता है और सड़कें भी साफ रहती है। शादी वगैरह होती थी उसमें लोग कचरा बहुत फैला देते थे। हमने अलग अलग खानों के कूड़ेदान बनवाए, जिसमें प्लास्टिक अलग, कचरा कूड़ा अलग डाला उसमें, कांच अलग डाला उसमें। फिर वो कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसकी नीलामी कर देते हैं, जिससे गांव का और विकास हो सके। जो अनीता सरपंच है, डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाया है। इसमें कठिनाई भी बहुत सारी आई है, रैलियाँ भी निकाली गई है गाँव में स्वच्छता के बारे में, और इससे कि मतलब धीरे धीरे लोग बागों की सोच बदल गई। और अब लोगों की सोच मतलब इस तरह से बदल गई कि वो अब बाहर नहीं जाते, शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं और कूड़ा वगैरह भी अपने मतलब ट्रैक्टर आता है गांव में और उसी में ही डालते हैं। इससे हमारे गांव में गंदगी नहीं फैलती। ये गांव से बाहर मतलब जगह है, हमारे सरपंच ने वहाँ साफ सफाई करवाई, बच्चों का मैदान बनवाया, कुल मिला के बच्चे वहाँ बढ़िया क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो बहुत अच्छा काम किया। तो एक महिला, मान लो सरपंच महिला ने एक महिला को समझाया है, तो उससे क्या है, वो अपने घर में मतलब अपने हस्बैंड को समझाएगी, अपने बच्चों को समझाएगी, इससे पूरा परिवार समझ जाता है हर चीज़ को। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है।